नरकटियागंज से बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा ने अपनी इस्तीफे की पेशकश की थी, हालांकि अब मान गई हैं। मीडिया के सामने बातचीत की और साफ तौर पर कहा है कि जो भी बातें थी वो शॉर्ट आउट हो चुकी है। क्या कुछ कही है रश्मि वर्मा, वो आप सुने। लोगों ने लिया, फिर आप लोगों का सिंगल क्या वजह था कि जो आपने अपना इस्तीफा दिया? देखिए, मुझे अपने परिवार यहाँ बीजेपी परिवार में बैठ के मैंने उसको सॉर्ट आउट भी कर लिया है। मुझे सारे आश्वासन मिल चुके हैं, आगे की बातें। मैम, क्या वजह थी कि जो आपको इस्तीफा देना पड़ गया था? वो मेरा कुछ देयर वाज सम मैटर पर पार्टी पार्टी से किसी से कोई शिकायत नहीं। पर मैम, जिस दिन आपने इस्तीफे की पेशकश की थी उस दिन प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान आया था कि पारिवारिक कारणों से आपने इस्तीफे की पेशकश। मैंने अभी कहा दैट वी हैव हम लोग बैठकर यहाँ पर वी हैव सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। देयर इज नथिंग सीरियस ओवर इट to discuss over this matter. Everything just fine, no problem. क्या वो वजह थी मैम कि जिसकी वजह से आपने? मैंने उसको बैठ के सॉर्ट आउट कर लिया है यहाँ पर। मैम, क्या ये मानसिक प्रताड़ना जैसी स्थिति थी कि आपको सामने आकर के ये कहना पड़ा कि मैं इस्तीफा देने जा रही हूँ? क्या ये माना जाए क्योंकि आपने कहा निजी कारण? क्या इतनी बड़ी निजी कारण है एक मेंटल लेवल तक आप इस्तीफा देने तक? ऐसा है कि निजी बहुत सारे कारण हो सकते हैं और मैंने ये लिख दिया यदि कि मुझे नेचुरली कोई भी इस्तीफा या व्हाटएवर जो भी चीज़ें होती हैं वो निजी ही कारण से कुछ भी होती है चीज़ें होती हैं ना, और वो वही सिस्टम है लिखने का, तरीका है लिखने का। था कि आपकी वजह से सरकार मुश्किल में पड़ सकती है, बावजूद आपने ये फैसला लिया तो एक कड़ा फैसला था और इसको इतना सामान्य जाहिर तौर पर पार्टी ने भी नहीं लिया, इसीलिए आपसे बात की और आपने अपना पक्ष रखा। अब आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं होंगी दोबारा? अब नहीं, सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार बिल्कुल को आपके हिसाब से ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन सरकार को इस प्रकरण से कुछ ना से कोई दिक्कत होती ना उसके सेहत पे कोई असर पड़ता। बाकी बची मेरी बात, तो मैंने अपना एक डिसीजन था, मेरे कुछ ग्रीवांसेस से कुछ प्रॉब्लम से मैंने बैठ के सॉर्ट आउट किया है। मुझे आश्वासन मिला है 1 हफ्ते के अंदर एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ वेल जो सामने आएगा। चलिए ना, चलना नहीं है, लेट हो जाएगी। आइए ना, चलिए ना। तो आपने सुना, बीजेपी के विधायक है रश्मि वर्मा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि निजी कारण थे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने बताया था कि इनका पारिवारिक मामला है, ये भी बात ये कबूल कर रही है कि हमारा निजी कारण था इस्तीफा देने का। लेकिन साथ ही साथ ये भी कर रही है कि हमने पार्टी के लोगों के साथ, पार्टी जो हमारा परिवार है, बैठकर बातचीत किया और आश्वासन मिला है मामला सॉर्ट आउट हो चुका है। सवाल फिर भी खड़ा होता है कि आखिर इस्तीफे की पेशकश क्यों की थी? सरकार के पास जो आंकड़े हैं और उसके बावजूद एक विधायक का हट जाना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर रहा था। बीजेपी विधायक ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी है उससे अब ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर ही जो कुछ बातें थी जिसको लेकर नाराजगी थी, हालांकि वो नाराजगी अब दूर हो गई है। इसको हम इतना ही देखते हैं। लाइंस बिहार, नमस्कार।